हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारीपुर में। तो दोस्तों, आज का जो है मेरा वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने वाला था 10 और 12 का। उसमें आने की जो संभावना थी वो काफ़ी लेट हो गई थी। देख सकते हैं आप कि जो कि अमर उजाला के जो है लेटेस्ट जो कि न्यूज़ में निकला हुआ है, क्या क्या अपडेट है, क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, चलिए हम देखते हैं। दोस्तों देखिए क्या न्यूज़ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड देख सकते हैं रिजल्ट 2020 कब आएगा। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं का जो है रिजल्ट जो है 56 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों का जो है 56 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों को जो है कि इसका इंतजार है। तो दोस्तों इससे संबंधित हम पूरा लेटेस्ट अपडेट देखते हैं। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं पूरा क्या अपडेट है, न्यूज है। देख सकते हैं जैसे कि यूपी बोर्ड के जो है 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के लिए विद्यार्थियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इससे पहले कहा जा रहा था कि यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं जो कि यूपी बोर्ड के 10वीं और जो है यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट जून के पहले हफ्ते तक आ सकता है, लेकिन अब 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी करने में और देरी हो सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यह घोषणा की थी कि 20 अप्रैल से कापियों का जो है मूल्यांकन होगा 20 अप्रैल से, और जो है जून के पहले हफ्ते तक जो है कि जून के पहले हफ्ते तक परिणाम जारी कर दिए जाएंगे जून के पहले हफ्ते तक। और हालांकि कोरोना वायरस की वजह से देश में जो हालात बन रहे हैं उसे देखते हुए ऐसा संभव नहीं लग रहा है कि खुद यूपी बोर्ड के अपर सचिव शिव लाल का भी यह मानना है कि ऐसा संभव नहीं लग रहा है कि मतलब यह रिजल्ट बहुत पहले ही मतलब जारी हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यह इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए शिवलाल का जो है इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए शिवलाल का जो कि कहना है कि हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि जून के पहले जो है हफ्ते तक 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट जो है जारी कर सके। उन्होंने कहा कि हमने पहले 20 अप्रैल से कापियों के मूल्यांकन के जो है 20 अप्रैल कापियों के जो है मूल्यांकन कराने की सोच रखी थी जो है 20 अप्रैल से सोच रखी थी और इस घोषणा की भी जो है इसकी घोषणा भी की थी, लेकिन यूपी में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामले जो है मौजूदा स्थिति को देखते हुए जो है कापियों को मूल्यांकन का जो है पूर्व निर्धारित शेड्यूल को जो है स्थगित करना होगा, जो कि आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस स्थिति से नियंत्रण में आते ही हम कापियों का जो है मूल्यांकन शुरू करेंगे। मतलब जैसे कोरोना वायरस का जो है संक्रमण फैल रहा है उसके मतलब विस्तार में अगर जो है ट्रांसलोकेशन में अगर जो फैलाव है उसमें कमी आएगी ना, तो जैसे ही मतलब मूल्यांकन शुरू होगा। और उन्होंने यह भी कहा कि अभी यूपी बोर्ड के जो है आधिकारिक तौर पर इसकी अभी घोषणा नहीं की है, जल्द ही इसे लेकर आधिकारिक घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं कक्षा का जो है 56 लाख से यूपी बोर्ड के 10 जो है 10वीं और 12वीं कक्षा के जो है 56 लाख से जो है ज़्यादा विद्यार्थियों को अपने रिजल्ट का इंतजार है। इस वक्त देश में 21 दिनों का लॉकडाउन चल रहा है जो कि 14 अप्रैल को जो है ख़त्म हो रहा है। यह लॉकडाउन 14 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है और लॉकडाउन की वजह से जो है कई परीक्षाओं को जो है स्थगित किया गया और स्कूल एवं कॉलेज को बंद रखा गया है। तो दोस्तों यह अपडेट लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ था जो अमर उजाला की तरफ से थे था। तो दोस्तों चलिए मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों मेरे चैनल को जो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं जो हो गई हर प्रकार के कंपटीशन से रिलेटेड हो गया, क्वेश्चन हो गया एवं जो है मतलब कोई भी एग्जाम से संबंधित कोई न्यूज अपडेट हो गया, मैं हर प्रकार की जो है अपडेट आपको तुरंत ही प्रोवाइड करूंगा। अगर कोई भी अपडेट आएगा तो इससे पहले जो भी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए आज का मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।